हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुक्रेज। तो फ्रेंड्स, आए हैं हम एक और नए वीडियो के साथ, एक और नई नोटिफिकेशन लेकर। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी बिलासपुर के बारे में, क्योंकि आरआरबी बिलासपुर ने एक नई नोटिस जारी किया है एएलपी और टेक्नीशियन के कैंडिडेट्स के लिए। तो इससे पहले बिलासपुर जोन की तरफ से जो है दो पैनल जारी किए गए हैं। आज का जो पैनल है, ये पैनल पार्ट थ्री जो है वो जारी किया गया है, और साथ ही साथ इसमें जो मेडिकल अनफिट कैंडिडेट्स थे उनका भी नाम इसमें शॉर्टलिस्ट हुआ है। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्हें मेडिकल एग्जामिनेशन में गड़बड़ी के कारण साइड में रखा गया था, तो उनका भी नाम जो है इस वाले पैनल में जारी किया गया है। और इसी के साथ साथ हम जानेंगे कि आपका ज्वाइनिंग लेटर के आने के चांसेस कब तक हैं, क्योंकि जो पिछले वाले जो पैनल थे और पिछले पैनल आने के बाद जो ज्वाइनिंग लेटर आया था, उस बेसिस पर हम ये बता सकते हैं कि आपका जो ये ज्वाइनिंग लेटर है ये कब तक आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं आरआरबी के बिलासपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। तो आपको एएलपी और टेक्नीशियन के लिए जाना होगा सेक्शन नंबर सीएन नंबर 1/2018 वाले सेक्शन पर, मतलब ये पहले नंबर वाले सेक्शन पर। यहाँ पर आपको क्लिक करने पर आपके सामने इस तरह से एक पेज ओपन होगा, और यहाँ पर आपको अगर स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे तो आपको करंट की जो नोटिफिकेशन है वो मिलेगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, प्रोविजनल रिजल्ट ऑफ एएलपी एंड टेक्नीशियंस अपडेटेड ऑन 12th February 2020। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे पहले जो नोटिस आए थे, कट ऑफ नॉर्मल कैंडिडेट्स के कट ऑफ, पीडब्ल्यूडी वालों के, एक सर्विसमैन वालों के बहुत सारे नोटिफिकेशन आए थे। अभी जो एएलपी और टेक्नीशियंस के लिए पैनल पार्ट थ्री जारी किया गया है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, उस वाले लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से एक पीडीएफ ओपन होगी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड बिलासपुर सीईएन नंबर 1/2018 असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन प्रोविजनल पार्ट पैनल थ्री फॉर दी पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट एंड टेक्नीशियन अगेंस्ट वेरियस कैटेगरीज। तो पहली जो नोटिस है वो देखेंगे, इन कंटिन्यूएशन टू द रिजल्ट नोटिस, नोटिस नंबर ये है पैनल पार्ट टू डेटेड 13th December 2019। Result of the candidates withheld and result of the candidates in earlier temporarily unfit in medical examinations and now declared fit in respective medical standards are being declared। मतलब आपके जो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे थे जो मेडिकल एग्जामिनेशन में अनफिट थे, तो उनको टेम्पोरेली अनफिट माना गया था और उन्हें साइड में रखा गया था, विथहेल्ड किया गया था, तो उनका भी नाम इस वाले पैनल में आपका नाम जो है वो जारी किया गया है। इसी तरह से अगली नोटिस देखते हैं, कैंडिडेचर ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स अपेयरिंग इन दिस पार्ट पैनल इज प्योरली प्रोविजनल एंड इज लियबल टू बी कैंसल्ड इन केस ऑफ एनी इनकंसिस्टेंसी डिफिशियंसी। तो वही नोटिस है, ये प्रोविजनल पैनल है, अगर इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी या डिफिशियंसी पाई जाती है तो आपका जो ये पैनल है ये विदड्रॉ किया जा सकता है, कैंसिल किया जा सकता है। इसी तरह से यहाँ दिया हुआ है, व्हाइल एवरी केयर हैज़ बीन टेकन इन प्रिपेयरिंग दिस प्रोविजनल पार्ट पैनल RRB resolves to write rectified inadvertent error typographical printical mistake। वही है कि अगर कोई प्रिंटिंग मिस्टेक रही तो आपका जो ये पैनल है वो कैंसिल किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट नोटिस है, बीवर ऑफ द टॉट्स हु मे मिसगाइड द कैंडिडेट्स विद फॉल्स प्रोमिसेस ऑफ गेटिंग देम सेलेक्टेड फॉर द जॉब इन इलीगल कंसिडरेशन। तो ये कुछ नोटिस हैं कैंडिडेट्स के लिए। अगर हम चालू करें पहले वाले कैटेगरी के साथ, तो कैटेगरी नंबर वन में आता है आपका असिस्टेंट लोको पायलट, जिसमें तीन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। ठीक है, और अगली कैटेगरी नंबर है 54, इसमें है आपके टेक्नीशियन ग्रेड थ्री इलेक्ट्रिकल TRS, इसमें आपके दो कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। इसी तरह से अगली कैटेगरी है कैटेगरी नंबर 88, टेक्नीशियन ग्रेड थ्री मेजन, तो इसमें आपका सिर्फ एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। इसके बाद अगली जो कैटेगरी है वो कैटेगरी नंबर 94, इसमें टेक्नीशियन ग्रेड थ्री मैकेनिकल वर्कशॉप, सिर्फ एक कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में। कैटेगरी नंबर 134 है टेक्नीशियन ग्रेड थ्री सिग्नल साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। इस तरह से आपके जो टोटल 8 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये थी आज की नोटिस। तो अब हम बात करेंगे लेटर के बारे में। अगर हम प्रीवियस एग्जामिनेशंस देखें रेलवे के, तो हम देख सकते हैं कि जो पैनल जारी किया गया था किसी भी बोर्ड की तरफ से, तो उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर के आने में कम से कम 1 से 1.5 महीने का टाइम लगता है। 1 से 1.5 मंथ का टाइम लगता है।
तो इसी तरह से आप समझ सकते हैं कि इन इस वाले पैनल में जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन हुआ है, इन कैंडिडेट्स का ज्वाइनिंग लेटर आने में आपको 1 से 1.5 महीने लगेगा, ठीक है, यही उम्मीद की जा सकती है। तो ठीक है, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।